स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज अपने साथ दो बाइक है, ये दो अपनी बाइक है आपको पता ही होगा, और यहाँ पे है R15S। अब ये बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या आपको ये लेनी चाहिए, और यामा इसके अंदर क्या क्या अपग्रेड दे सकता था, ये सब डिस्कस करेंगे हम ये वीडियो के अंदर। तो भाई देखो, ये तो अपनी बाइक है R15V3। ये BS6 वेरिएंट है, लास्ट ईयर हमने लिया था। ये इसकी ऐसी कुछ चाबी दिखती है, और ये अपने पास है R15S और V3S। ये इसकी चाबी है, चाबी अभी में कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम आपको चाबी मिलती है जो आपको V3 में मिलती थी। पता नहीं V4 का तो शायद चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बाइक में है ना आपको एक ही कलर मिलेगा। मैं आपको दूसरी बाइक इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको एक ही कलर मिलता है, ब्लू कलर। वो वाली जो V3 थी उसके अंदर आपको तीन कलर मिलते थे, रेड मिलता था, ब्लैक मिलता था, ब्लू मिलता था। अब जो V4 आई है उसके अंदर भी वही सेम कलर आपको मिलते हैं, लेकिन इस वाले में आपको सिर्फ ब्लू मिलेगा। अब प्राइस जो एक्शोरूम है वो है 1,57,900 रुपीज़, हैदराबाद की एक्शोरूम प्राइस है। एंड ये जो बाइक हमें दी है ये पर्ल यामा ने दी है, तो थैंक यू सो मच पर्ल यामा। अगर आपको ये बुक करना है तो उनका डिटेल्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि भाई इसमें जो सीट है ना, ये सीट, ये यूनिबॉडी सीट है जो यामा इसको बोलती है। अब इसका मतलब यह है कि एक तो ये सिंगल सीट है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये वाली स्प्लिट सीट है। अब ये स्प्लिट सीट है ना, ये सीट अलग है और ये सीट अपनी अलग है, यहाँ पे आपको इसमें लॉक दिया गया है। लेकिन ये वाली में अगर आप देखो ना तो ये एकदम सिंगल सीट है, ये एक ही सीट है। आप अगर इसको निकालोगे तो ये पूरी सीट एक साथ हाथ में आ जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह दिए गए हैं। अब ये जो सीट है ना, ये आप V3 पे फिट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई ये सीट उससे फिट हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी बिकॉज इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है नीचे से। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका की दिया गया है। बाकी सीट की क्वालिटी अगर आप इसका देखोगे ना, तो इसमें स्पॉन्ज जो है, कुशन है, वो थोड़ा ज़्यादा दिया, मोटा दिया है। जो राइडर का कंफर्ट है, सीट कंफर्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो इसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको और ज़्यादा मिलने वाला है। एंड जो राइडिंग कम्फर्ट है, मतलब आप कैसे चलाते हो, किस तरीके से आप, आपका सीटिंग पोस्चर है, वो आप सुपर स्पोर्ट्स और ऐसा जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप गाड़ी के ब्रेक भी मारते हो और गाड़ी को आप रोकना भी नहीं चाहते। तो इनसे आप कम्फर्ट तो भूल ही जाओ। रही बात पिलियन की, तो देखो पिलियन का कम्फर्ट तो कभी R15 V3 पे था ही नहीं, V2 पे तो वैसे भी नहीं था, इस पे भी आपको उतना कंफर्ट तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ ये मिलती है कि एक तो सीट की क्वालिटी अच्छी मिलती है, दूसरी बात ये है कि ये सिंगल सीट मिलती है तो ऐसा स्लाइड होने का भी डर आपको नहीं रहता है। एंड इसका जो कुशनिंग है थोड़ी बेटर है, तो आपको अगर आप 100-150 किलोमीटर आप पिलियन के साथ जाते हो, पिलियन आपके साथ खुश रहेगा। मेरे वाले पे तो एक राइड के बाद में मेरे साथ पिलियन कोई आएगा ही नहीं। तो ये तो भाई हो गया एक चेंज। दूसरी चीज़ आप देखोगे ना, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये फुटपैक्स का, उसको स्ट्रेट दिया गया है नीचे से। एंड इस वाली में अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा कुछ जो फ्रेम के अंदर से आता था, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ से, ये फ्रेम के अंदर से आता था एंड ऐसा कुछ राउंड होके आता था, तो ये थोड़ा नज़दीक कर दिया गया है। एंड ये वाले में अगर आप देखोगे ना, तो ये स्ट्रेट एक आपको ब्रैकेट दिया है। एंड ये नीचे से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पार्ट एक अलग ही दिया है, तो यहाँ से ये जॉइंट होता है एंड उसके वाले में फ्रेम के अंदर से आता है। बाकी बाइक के अंदर कोई चेंज नहीं है। मैं तो इसको कहूँगा कि ये यामा R15 V3 सेम है, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है। चलाने के टाइम पे आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर यामा अपग्रेड कर सकता था। कुछ लोग पूछेंगे यामा R15 V4S कब आ रही है, तो भाई यामा R15 V4 तो अभी लॉन्च हुई है, एस पता नहीं कब लॉन्च करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बता दूं कि सीट हाइट वगैरह सेम है, सीट हाइट में कुछ डिफरेंस नहीं आया है। 815 mm की सीट हाइट है एंड वही आपको अभी मिलती है। पीछे का जो पिलियन का सीट हाइट है वो भी सेम है, बस सीट की डिज़ाइन चेंज हुई है। तो V3 अभी अवेलेबल है शोरूम्स में। अब यामा इसके अंदर क्या कर सकता था, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर यामा इसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो इसको स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी में डाल सकते थे। मतलब थोड़ा हैंडल बार है वो रेज कर देते, जैसे MT15 का हैंडल बार दे देना था अगर इसमें फिट होता है, या फिर जो V4 में इन्होंने 15 mm का रेज किया है हैंडल बार, वो इसमें दे सकते थे। वो थोड़ा फुटपैक्स है, थोड़ा सामने दे देते, तो इसमें क्या है आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलता है हाईवे पे, तो वो चीज़ यामा कर सकता था, इसको कंटिन्यू करके स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी में इसको डाल सकता था। एक बात तो है, ये 155 cc सेगमेंट में ये बाइक को कोई मात दे नहीं सकता। ये जो क्रेज है यामा V3 का, ये कभी लोगों के दिल से निकलने वाला नहीं है।
तो अभी जिन लोगों को ये बाइक लेनी है वो ले सकता है। अब मेरी, अगर आप मानो, बिकॉज मैं V3 का ओनर हूँ, अगर आप मेरी बात मानो, सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये बाइक को ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सीट कम्फर्ट चाहिए ना, तो ये बाइक को आप ले सकते हो, बिकॉज इसका जो सीट का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, और जो कुशन दिया है सीट का वो भी अच्छा है। एंड अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो या तो आप V3 ले सकते हो, R15S का एंड V3 का एंड V4 का, जो प्राइस डिफरेंस आपको बता दूं, इसका और जो V3 है उसका 1000 रुपये का फर्क है, और इसका और जो V4 है उसमें प्राइस का डिफरेंस है 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये का। तो अगर आपके पास बजट का कोई इश्यू नहीं है, आपको और ज़्यादा एक स्पोर्टी और ज़्यादा फीचर्स के साथ एक बाइक चाहिए, तो आप आंख बंद करके V4 ले सकते हैं। V4 में अगर आप ये कलर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1,71,000 रुपीज़ आपको एक शोरूम पड़ेगा। तो डिफरेंस 13,000 से 14,000 का ही है, 13,000 to 14,000 इज़ द डिफरेंस। बट एक बात तो कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को क्या है भाई, ज़्यादातर लोगों को V3 का डिज़ाइन ही ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। एंड नीचे भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको तीनों ही वेरियंट में R15S एंड V3 एंड V4 में कौन सा पसंद है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।